यज्ञ क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यज्ञ क्या है, कैसे होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो यह वीडियो पूरा देखें। यहाँ पे यज्ञ का अर्थ क्या है, ये सब बताया गया है। तो यज्ञ की प्रदर्शनी में हम लोग आए हैं, अश्वमेध यज्ञ में। तो भैया मिले हैं, तो आप यज्ञ के बारे में बताइए कि क्या होता है यज्ञ और क्यों किया जाता है। जी, यज्ञ के बारे में पूरा ये प्रदर्शनी है। इसमें यज्ञ क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या क्या उपयोगी सामान है, क्या फ़ायदे हैं, किस किस जगह क्या प्रभाव है, वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। वो आपको एक एक करके सब बताएंगे। हम शुरू करते हैं यज्ञ का अर्थ। तो यज्ञ का जो उत्पादन है, जो है यज धातु से हुआ है। यज धातु का अर्थ होता है देव पूजा संगतिकरण। तो यज्ञ के तीन चरण बताए गए हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा के बारे में बताया गया है कि देवताओं की पूजा, लेकिन देवताओं की केवल पूजा करना ही नहीं है। पूजन का मतलब है कि अगर आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं, मतलब आप देवताओं के साथ बैठ रहे हैं, देवताओं के पास बैठ रहे हैं। तो अगर आप देवताओं के पास बैठ रहे हैं, तो आपके अंदर देवताओं के गुण आने चाहिए। जो जैसे जो आपके ईष्ट हैं, अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश जी के जितने भी उनकी आदतें हैं, वो आपके अंदर आनी चाहिए। तो वो देव पूजन का पहला महत्व है। दूसरा है देवताओं का संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब आपको देवताओं के साथ मिलके रहना है, देवताओं को आह्वान करना है, देवताओं को बुलाना है, देवताओं की उपासना करनी है। उपासना का भी मतलब वही है, उप मतलब पास, आसन मतलब बैठना। तो जैसे कि हमने ठंडा पानी पिया है, तो हमारे होंठ ठंडे होने चाहिए। ऐसे ही अगर हम देवताओं के साथ बैठे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, तो भगवान के जो गुण हैं, वो हमारे अंदर आने चाहिए, हमें दिखने चाहिए देवत्व गुण। राइट। और तीसरा है दान। दान का भी बड़ा महत्व है। दान का महत्व है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारा सामर्थ्य है, उससे हम समाज को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। दान का मतलब केवल ये नहीं है कि आप पैसे का दान दें, आप समय दान दे सकते हैं, आपकी कोई प्रतिभा है, आपका कोई टैलेंट है, वो टैलेंट से आप समाज का क्या भला कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर आता है, आप जाके लोगों को कंप्यूटर, बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकते हैं। वस्तुदान है, अंशदान है, विद्यादान है, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तीन बड़े चरण हैं यज्ञ के, देव पूजन, संगतिकरण और दान। अब ये तीनों जहाँ पे मिल जाते हैं, इन तीनों को गंगा जमुना सरस्वती बोला गया। तो जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, वो त्रिवेणी हो गया, त्रिवेणी संगम हो गया। त्रिवेणी के भी अपने त्रिवेणी, जहाँ पे ये इन तीनों का त्रिवेणी होगा, जहाँ पे ये त्रिवेणी होगा, वहाँ पे सज्जनता उभरेगी, शुभ कार्य होंगे, वातावरण मंगलमय होगा, सबके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी। यही यज्ञ का मेन, यही यज्ञ का मुख्य स्वरूप है। और अब यज्ञ हर जगह है। यज्ञ ऐसा नहीं है कि आप केवल अग्नि में आहुतियां डालेंगे और वही यज्ञ है। हर जगह यज्ञ है। जैसे कि ब्रह्मांड में यज्ञ है, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, सारे ग्रह आपस में एक दूसरे के लिए चक्कर लगा रहे हैं। पर्यावरण में सूर्य से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश का पानी समुद्र में जाता है, वो भी यज्ञ है। मनुष्य शरीर में हम हाथ से खाना खाते हैं, मुँह से वो पेट में जाता है, वहाँ पे पचता है, फिर उससे एनर्जी बनती है, वो रक्त के साथ पूरे शरीर में जाती है, वो भी यज्ञ है। और परिवार में माँ का बच्चे को जन्म देना, पिता का बच्चे का पालन करना, ये जो भी है, वो सब यज्ञ है। तो हम अनजाने में भी यज्ञ करते हर हैं, कार्य यज्ञ है। जहाँ पे ये तीनों का समन्वय है, जहाँ तीनों चरण जहाँ पे भी हैं, वो यज्ञ है। यज्ञ को केवल हम आहुतियां डालना नहीं बोल सकते हैं। तो यज्ञ को तीन क्षेत्र बताए गए हैं यज्ञ के, ब्रह्मांड यज्ञ, शरीर यज्ञ, और फिर हवन पे आते हैं हम, तीसरा चरण है हवन। तो यज्ञ जो ब्रह्मांड यज्ञ है, उसमें ग्रह नक्षत्रों का जो भी प्रभाव है, आपस ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, बारिश होती है, हवा चलती है, ऋतु परिवर्तन होता है, वो सब यज्ञ है। मनुष्य में पंच तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका जो भी संचालन है देह में, वो यज्ञ है। अपने पांच प्राण हैं, जो प्राण वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, उन सबका संतुलन भी यज्ञ है। अपने तीन दोष जो हैं, कप, बात, पित्त और कफ, वो उनका संतुलन भी यज्ञ है। तो अगर ये संतुलन बिगड़ता है, तो शरीर में व्याधियां होती हैं, बीमारियां होती हैं। अगर ये संतुलन बिगड़ता है, तो प्रकृति में बीमारियां होती हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे, तो बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, भूकंप आएगा, ये सब है। तो इन सबको संतुलित बनाने के लिए यज्ञ का जो तीसरा चरण है, वो है हवन, यज्ञ द्वारा संतुलन। यज्ञ से, जब यज्ञ को हम करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर संतुलन बनता है, ब्रह्मांड के अंदर संतुलन बनता है। यज्ञ में जो भी सामग्री, समिधाएं, हवन कुंड, मंत्र, जो भी होता है, जिसका भी जो भी प्रभाव है, वो केवल वातावरण पे नहीं, मनुष्य के अंतःकरण पर पड़ता है, मनुष्य की बुद्धि पर पड़ता है। आकाश तत्व हमारे अंदर भी है और ब्रह्मांड में भी है। जो ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है। तो यहाँ पे जो बताया है संतुलन, वो इसी, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जिस जो असर ब्रह्मांड में होगा, वही मनुष्य के अंदर होगा। तो आकाश तत्व मनुष्य में भी विद्यमान है, ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। तो यज्ञ का जो भी प्रभाव आकाश तत्व पे होगा,
वो हमारे शरीर पर भी होगा। तो यज्ञ हवन के द्वारा हम ये जो संतुलन बिगड़ रहे हैं उनको हम बना सकते हैं, हाँ, और उसी के लिए हवन किया जाता है। यज्ञ की प्रक्रिया में समिधा का, लकड़ियों का बड़ा महत्व है, कौन सी लकड़ी किसके काम आएगी वो सब हम आपको आगे बताएंगे। सामग्री में क्या क्या सामान होता है, कौन सी औषधियाँ डाली जाती हैं, कौन सी औषधियाँ किस मात्रा में डालनी चाहिए तो किस बीमारी के लिए होगा, वो सब है। हवन कुंड का महत्व है, हवन कुंड का आकार का भी महत्व है, हवन कुंड के साइज का भी महत्व है। हवन कुंड अलग अलग आकार के होते हैं। आप अश्वमेध यज्ञशाला में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर आकार के हवन कुंड देखने को मिल जाएंगे, छोटे बड़े नहीं। आकार तिकोना भी रहेगा, चौकोर भी रहेगा, गोल भी रहेगा, षटकोण भी रहेगा। उसके लिए भी आगे स्लाइड है, वो आपको भैया बताएंगे। मंत्रों के बारे में, मंत्र का विज्ञान ये है कि मंत्र केवल शब्दों का समूह है, जब उन शब्दों के समूह के साथ भाव मिलता है तो मंत्र बनता है, और जितने भाव से हम मंत्र बोलते हैं उसका प्रभाव उतना ही प्रबल होता है। तो मंत्रों का प्रभाव, तो ये यज्ञ की प्रक्रिया है, जो जो सामान हम यज्ञ में यूज करते हैं उसके बारे में है, डिटेल आपको आगे स्लाइड्स में है, आपको भैया बताएंगे। जो हमारे इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, यह पिंड है, इसमें भी क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व से हमारे शरीर बने हैं, और इस पांच तत्व स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से भी प्राण शक्ति के रूप में वो सारे तत्व मौजूद है। तो जब हमारे इस प्राण तत्व में किसी भी तरह का असंतुलन पैदा होता है तो उस वो प्राण शक्ति में कमी के वजह से जो शरीर के अंदर में असंतुलन पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको विभिन्न तरह की रोग है, व्याधि है, चिंतन में विकृति है। से इस यज्ञ के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर जो पंच तत्व है और पांच प्राण तत्व है, उसमें जब किसी भी विशेष प्राण तत्व की कमी होती है और कमी के वजह से हमारे शरीरगत किसी भी तरह का स्थूल और सूक्ष्म रूप से हमारा शरीर प्रभावित होता है, तो यज्ञ के माध्यम से हम उसी दिव्य शक्ति जो ब्रह्मांड में व्याप्त है उसी देव शक्तियों का हम आह्वान करते हैं, और वह विशेष तरह की वह शक्ति हमारे अंदर के असंतुलन को संतुलित, यानी कि प्राण शक्ति का संचार होता है। अब विशेष रूप से अगर यज्ञ के विशेष ज्ञान और विज्ञान को अगर हमको समझना है तो गुरुदेव का वांग्मय नंबर 25 है, जिसमें यज्ञीय ज्ञान विज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। साथ में वैज्ञानिक आधार पर भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखना चाहते हैं तो शांति कुंज हरिद्वार में जाए, जहाँ ब्रह्म वर्चस्व स्व संस्थान में यज्ञ का जो प्रभाव होता है उसको वैज्ञानिक रीति से वो सारी चीज़ों की वहाँ पर आपको जाएंगे तो सारा चीज़ का व्याख्या किया गया है, सारा चीज़ को दिखाया गया है, समझाया गया है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। अब इसमें यज्ञ कुंड है। अच्छा, यज्ञ कुंड के बारे में देखेंगे, यहाँ पर इसके बारे में ये देखेंगे, यज्ञ कुंड के महत्व के बारे में क्यों बनाते हैं बताइए। यज्ञ कुंड बनाते हैं क्योंकि लकड़ी लगा के बस हवन नहीं कर सकते। आपका नाम क्या हुआ? अथर्व। अथर्व, हाँ। अथर्व बताओ, बताइए। हम लोग हवन कुंड ये जो बनाते हैं, इसमें ये तीन होते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन का अर्थ होता है, इसलिए ये तीन ही बनाते हैं, दो बनाएंगे पांच बनाएंगे ये नहीं, इसलिए। और ये जो तीन भगवान होते हैं, ये सत रज और तम, ये तीन इसको बताते हैं, गुण को। और अनुष्ठान हम लोग जो करते हैं गायत्री अनुष्ठान, उसमें अगर हमने 24,000 मंत्र का मान लीजिए किया अनुष्ठान, तो उसका 1/10 या 100th मंत्र की यज्ञ करना पड़ता है लास्ट में, तो वो पूर्णाहुति होती है उसकी। तो जितना हम लोग करेंगे उसके हिसाब से ये बनाना पड़ता है। अच्छा, ये भी यज्ञ कुंड बनाना है ना? कितना इंच का होना चाहिए, कितना फुट का होना, क्योंकि अगर हम लोग कहीं मेहमान बन के जाते हैं तो अगर ज्यादा बहुत सारा खाना है लेकिन छोटे प्लेट में देंगे तो नहीं खा सकते। अच्छा। इसलिए अच्छा बड़ा प्लेट देना पड़ता है। तो वो भगवान को हमने बुलाया तो अगर ज्यादा खाना दे रहे हैं तो फिर उनके लिए अच्छा बड़ा प्लेट बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये दिया है। देखिए, अगर ज्यादा होती है तो इनका नाम अथर्व है, उनका एज कितना हुआ आपका? 10 साल। 10 साल? हाँ। 10 साल में इतना कुछ भारतीय संस्कृति के बारे में जानना, मतलब अच्छी बात है। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद। जो उधर बताया था कि यज्ञ का जो उद्देश्य होता है उसके हिसाब से यज्ञ कुंड का आकार बनाते हैं। तो अगर हमारा उद्देश्य है कि शांति के लिए, तो उसके लिए ये गोल ऐसा कुंड बनता है। सबका आकार का महत्व अलग है। यज्ञ के जो है अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से यज्ञ के कुंड अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे 8 प्रकार के यज्ञ कुंड बताए गए, जैसे गोल जो है
ये प्रयोजन इसका शांति के लिए, आपके पास अर्ध गोल है सुख शांति के लिए आपके ये है। जनरली हम लोग हैं चतुष्कोण कुंड प्रयोजित करते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के यज्ञ कुंड बने हुए हैं। हर का प्रयोजन क्या है, हर एक का अलग महत्व है, अलग का प्रयोजन उनके अलग है। शांति के लिए अर्ध गोल पद्म आकार है, वर्षा शांति समृद्धि के लिए है। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यहाँ पे सारे हैं, सारे कुंड बने, हाँ सारे कुंड बने हुए हैं। लेकिन किसी को बैठना हो तो किसी पे बैठ सकते हाँ, वो किसी पे बैठ सकते हैं। जनरली हम लोग जो करते हैं ये चतुष्कोण करते हैं, तो ये आपका जो मंत्र से जो एनर्जी होगी तो वो वहाँ पे सभी की अच्छा चतुष्कोण सभी प्रकार के फल सभी प्रकार की प्राप्ति के लिए। ज्यादातर कुंड यही कैसे करना चाहिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए आप कर रहे हो तो उस यज्ञ को कैसे करना है, यज्ञ के बाद जो है उसकी सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, यज्ञ के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस हिसाब से यज्ञ का कुंड का अनुपात है ज्योमेट्रिकल, उसका साइंटिफिक रीजन होता है कि किस अनुपात में किस हवन को किस बनाया। जैसे तीन वेदियां, ये भैया ने एक्सप्लेन किया कि तीन वेदियां क्यों है, दो क्यों नहीं और पांच क्यों नहीं है, तो उसका ज्योमेट्रिकल रीजन है, साइंटिफिक उसका उद्देश्य है, और जप जो है वो उसका एनर्जी कन्वर्ट होके किसी की पूर्ति के लिए होता है। नमस्ते भैया, नमस्ते। आपका नाम क्या हुआ? विकास गुप्ता। विकास गुप्ता, गायत्री परिवार की ओर से यज्ञ की परिपाटी जो चल रही है पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में, उसका मूल उद्देश्य जो है कि सब में सद्बुद्धि आ जाए। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र कहलाता है और इसका बार बार उच्चारण करने से अंदर की शक्तियों का जागरण होता है और उस शक्तियों के जागरण से हमारी बुराइयां दूर भागती है और अच्छाइयां आने लगती है। अब यज्ञ जो होता है, यज्ञ में पूर्णाहुति होती है और पूर्णाहुति में सब लोग अपनी अपनी पूर्णाहुति छोड़ते हैं, तो पूर्णाहुति में फिर हम बोलते हैं भैया तू तो सब तो पूर्णाहुति तो कर रहा है, यज्ञ इतना बड़ा कर भी लिया है, अब तुझे देव दक्षिणा देना है। देव दक्षिणा बोलते, दक्षिणा नहीं बोला हमने, देव दक्षिणा यानी भगवान की दक्षिणा तेरे को देना है, पैसे की दक्षिणा नहीं मांग रहे, पैसे की दक्षिणा पंडित की हो गई, ये दक्षिणा रहेगी कौन सी, देव की, भगवान की। अब भगवान की दक्षिणा कौन सी होना, भगवान को तो करोड़ों रुपए दोगे तो भी कम ही जाएगी है? और नहीं दोगे तब भी वो तो भरा भरा हुआ है, तो देव दक्षिणा में क्या, तो भगवान को क्या चाहिए, अरे भगवान ने आपको बना के भेजा है इस पृथ्वी पर, आपने क्या कर लिया, बुराइयाँ अपने में भर ली, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, माँ बाप को लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, ये सब बुराइयाँ समझ लिया, तो आप आज इस पूर्णाहुति के रूप में एक बुराई छोड़ो। वो कहता है कि ठीक है, हाँ, कि ये अग्नि के समक्ष मैंने आज सिगरेट पीना बंद कर दिया, तो ऐसे एक एक बुराइयाँ उनसे छुड़वाते हैं और उनका मस्तिष्क शुद्ध होता है, और जब शुद्ध हो जाए तो अच्छी चीज़ें उसमें आएगी। गंदे बर्तन में दूध नहीं लेते हैं, बर्तन सीधा हो जाए तो बढ़िया, सब अच्छा सा है, तो यही है देव दक्षिणा। ठीक है बाबूजी, आपका एज क्या हुआ? 85 को बाबूजी है, ये भी अपना संविधान दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं संविधान आप? मैं तो सन 74 से गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। 74 से? हाँ। गुरुदेव जी को नहीं, माता जी को देखे होंगे आप? माता जी, गुरुदेव को, गुरुदेव जी को, गुरुदेव ने दीक्षा दी है मुझे। गुरुदेव जी के हाथों इन्होंने दीक्षा लिया है। प्रणाम। प्रणाम भैया, तो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में बताया गया है, कैसे इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, जी जी, तो उस पर थोड़ा बताइए जी। जैसे आपने देखा कि यज्ञ हम क्यों करते हैं, बैकग्राउंड आपने समझा कि यज्ञ के अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के यज्ञ आपने देखा, तो यज्ञ का मेन कैसे मोटो है कि आप खाली हम पर्यावरण शुद्धि के लिए, हमारे पास दो मोटो है, एक तो पर्यावरण शुद्धि के लिए और वातावरण शुद्धि, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पर्यावरण हम बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है वायुमंडल, तो हम यज्ञ जैसे आप देखा होगा कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी हम जो डेवलपमेंट के लिए रेलवे के लिए हमें पेड़ काटना पड़ रहा है, लेकिन उसका जब हम सॉल्यूशन जब खोजेंगे तो दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें खाली यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ थ्री ही वहाँ पर आपको वो वापस जो अपना जो ये बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चीज़ वो वायुमंडल शुद्ध कर सकते हैं। ये तो हुआ वायुमंडल का। वातावरण कैसे बोल सकते हैं, जैसे हम घर पर रहते हैं, हम घर पर रहते हैं तो कैसे हम नेगेटिव पावर भी है, हम कैसे लोग कैसे से बात कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को वातावरण शुद्धि करने के लिए भी यज्ञ एक माध्यम है, जहाँ पर हम वातावरण को भी शुद्धि के रहते हैं। यज्ञ मतलब से आंतरिक और जी जी जी, खाली इसके पर्यावरण के ही नहीं फैक्टर नहीं है, हम उसको आप देखेंगे तो वातावरण शुद्धि के लिए भी मान सकते हैं और वातावरण के लिए ही उसको इसमें रिसर्च भी किया गया। आप ब्रह्मवर्चस साहब यदि जाएंगे तो वहाँ पर उनके डिवाइस लगे हुए, तो वहाँ पर आप आपके डिवाइस से आप मैप कर सकते हैं कि आप यज्ञ करने के बाद में आपकी एनर्जी कितनी आप बिल्ड हुई है, और प्लस आपके जो ओरा होते हैं 3 किलोमीटर में वहाँ पर आपका यज्ञ का प्रभाव क्या हुआ है, तो कम्प्लीटली आप बोल सकते हैं पर्यावरण तो है ही, उसके साथ वातावरण आपको जो आप जहाँ रह रहे हैं सर्कल जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है,
जैसे आप बलि वैसे के बारे में भी आप आगे आए देखेंगे तो वही है, आप डेली जो खाना खाते हैं उससे पहले आप यदि बलि वैसे करते हैं तो वो खाना जो होता है आपका भोजन जो होता है वो प्रसाद बन जाता है, और वो उसी से आपका घर में जो खाने जो खाते हैं तो सारे के जो आपके जो व्यवहार हैं उस हिसाब से चेंज होना चालू हो जाते हैं। 30 डेज में आप देखेंगे तो उसका आपका परिणाम आपको दिखना चालू हो जाएगा। जी तो आप कहाँ से आए हुए? मैं बेसिकली पुणे से हूँ, IT इंजीनियर हूँ और हम लोग समयदान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी आपका नाम? मेरा फनीश साहू। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। थोड़ा okay. बताइए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल आपने सुना होगा कि एसिडिक रेन होती है, जो फैक्ट्रीज से इतना पॉल्यूशन निकल रहा है उन सब की वजह से पूरा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होकर एसिडिक रेन हो रही है, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे लिए एक्चुअली। बट अगर हम यज्ञोपैथी में जब हवन करते हैं तो जब हम विशेष औषधियों की आहुतियाँ देते हैं तो वो जो यज्ञ धूम्र निकलती है तो यज्ञ धूम्र से जब जो बादल हैं उन पे वहाँ बादलों का और यज्ञ धूम्र का एक सटल रिएक्शन होता है, तो उसके बाद जो वो जो बारिश होती है वो जिस जल नहीं होता है वो फुल ऑफ लाइवलीहुड एंड प्राण ऊर्जा उसमें भरी हुई होती है, प्राण ऊर्जा से लबालब होता है, तो वो जब हमारी पृथ्वी माता अर्थ उसको एब्जॉर्व करती है देन फिर हमें जो प्रदान करती है मतलब वनस्पतियाँ औषधियाँ फल और जो अन्न है वो हमें देती है वो प्राण ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। जो पेस्टिसाइड्स तरह तरह के यूज हो रहे हैं उसका जो साइड इफेक्ट है उसको भी काटता है, प्लस हमें जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो सब उसमें प्रदान करता है, तो वो हम खाएंगे तो हम फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होंगे एंड सोशली हमें आत्मवत सर्वभूतेशु वाली भावना जो है सब में होगी और तामसिक गुणों का भी विनाश होगा, प्लस हमारे जो वैदिक कल्चर था उसमें जब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी ना उनमें जो होता था कि चार बार उनको हवन करवाया जाता था, यज्ञ करवाया जाता था, गर्भाधान पुंशवन सीमांतो नयन जात कर्म संस्कारों से इसको लिंक किया गया है, तो ये चार तरह के संस्कार माता जो गर्भिणी माता होती थी उनको करवाया जाता था ताकि जब छोटा बच्चा उसका जस्ट ब्रेन डिवेलप हो रहा है, बॉडी पार्ट्स डिवेलप हो रहे हैं उसी टाइम से हम उसे इस डायरेक्शन में मोल्ड कर दें, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करें, प्लस पुंशवन संस्कार जब होता है तो 3 तरह की विशेष औषधियाँ उनको सुंघाई जाती हैं, एक पीपल वृक्ष और अमृता जिसे हम गिलोई भी बोलते हैं, प्लस लास्ट वाला पीपल अमृता एंड एक वट वृक्ष, तो उससे ही होता है कि पीपल की तरह वह पवित्र हो, वट वृक्ष की तरह विशाल हृदय वाला हो, प्लस गिलोई अमृता मतलब वो दीर्घायुष्य को प्राप्त हो और निरोगी रहे, हेल्दी रहे लाइफ टाइम, तो इस तरह से बच्चा स्वस्थ प्लस स्पिरिचुअली भी अपलिफ्टेड रहे। तो यज्ञ जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आजकल के सोशल हम देखें जो बच्चे रॉन्ग डायरेक्शंस में जा रहे हैं हमें डर रहता है कि गलत संगत में जाएगा, एडिक्टेड हो जाएगा, तो अगर हम यज्ञ के थ्रू ये एक्चुअली चिकित्सा थेरेपी भी है, डिजीज वाइज हम औषधियाँ भी यूज करते हैं, चिकित्सा पद्धति भी है यज्ञोपैथी, प्लस संस्कारों का भी उसमें समावेश होता है, बच्चे को हम गर्भ से ही संस्कार देना स्टार्ट करते हैं और आगे जाके फिर हमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जाएगा तो वो उस इन्वायरमेंट से अफेक्टेड नहीं होगा बल्कि उसका इफेक्ट चार और पड़ेगा, मतलब वो चार और लोगों को अच्छा बनाएगा, तो हमारा जो एरिया सोशली भी हम बहुत अपलिफ्ट होंगे, मतलब जो क्राइम्स कल्चर्स क्राइम्स वगैरह हैं वो कम होंगे, मतलब यज्ञ का जो प्रभाव है वो सोशली फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली या होलिस्टिक डेवलपमेंट को साथ में लेके चलता है, होलिस्टिक हेल्थ को ये अपलिफ्ट करता है हमारे। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी अधिकारी फ्रॉम पुणे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू सो। यज्ञ से मानसिक रोगों की चिकित्सा भी होती है, यज्ञ से मानसिक रोगों की चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा कैंसर के रोगों के लाभकारी है। दीदी आप कुछ बताएंगे थोड़ा? हाँ जी बोलिए। थोड़ा ये बताइए कि जो यज्ञ है वो मतलब रोगों पे कैसे प्रभाव डालता है, कोई भी रोग है तो? हाँ, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले वो यज्ञ से ही जड़ी बूटियों से और यज्ञ से ही पूरा चिकित्सा करते थे, तो गायत्री परिवार ने इसी के ऊपर रिसर्च किया और उस प्रक्रिया को सबके सामने लाया। तो कैसे किया कि जैसे यज्ञ में एक तो मंत्र ध्वनि का जो साउंड इफेक्ट होती है वो होती है, दूसरी इफेक्ट होती है कि सूर्य के सामने यज्ञ होता है तो वो सूर्य की इफेक्ट होती है, और तीसरी बात ये है कि जो जड़ी बूटियाँ होती है उसे हवन किया जाता है, मंत्रोच्चार किया जाता है, तो जैसे हम एक गोली खाते हैं तो उस वो गोली पिघलती है बॉडी में, फिर खून में शामिल होती है, फिर पूरी बॉडी में उसके इफ़ेक्ट होती है, इंजेक्शन लगाते हैं बॉटल चढ़ाते हैं तो उसके जल्दी होती है, और अगर हम उससे भी मतलब ऑक्सीजन लेते हैं
तो दवाई ऑक्सीजन में जैसे जाती है। और दूसरा मैं कहूँ तो मिर्ची जब हम अकेले खाएंगे तो खुद को तीखा लगेगा। हाँ। पानी में भी उसका पानी छीटेंगे तो सबको, और अगर उसको जलाएंगे तो पूरे वातावरण में जिसको है सबको लगेगा। तो ये इस थियोरी पे जाता है यज्ञ कि जब हम हवन करते हैं तो जो उससे जो वायु निकलती है, प्राण वायु निकलती है, वो पूरी बॉडी में, पूरे लंग्स में ऑक्सीजन के साथ में घुल मिलकर पूरे लंग्स में जाता है, पूरी बॉडी में घुलता है। उसी से और वो सिर्फ हमारे लिए ही लाभकारी ना हो, औरों के लिए भी, औरों के लिए भी लाभदायी होता है। और ये जो यज्ञ चिकित्सा हो रही है तो हमारे हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय है और एक ब्रह्मवर्चस करके लेबोरेटरी भी है जहाँ पे ये सारे रिसर्च होते हैं। तो अलग अलग रोग के रोगियों को उन्होंने बुलाया, मतलब उनके ऊपर उन्होंने उपचार, मतलब ये सब भी रिसर्च हुई है, उसके बाद ये पूरा थ्योरी आई है, पूरी स्टोरी उसके बाद आई है। तो सबको अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ बनाई हैं और उसके ऊपर रिसर्च हुआ और फिर उसके बाद उनमें से ही ये सारे, फिर ये सब पूरा निष्कर्ष उसका निकल के आया कि रोगों पर भी इफेक्ट करता है। हाँ, देखो ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान है ये, यहीं पे सारे शोध होते हैं। जो ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान है हरिद्वार में है ये, यहाँ पे आयुर्वेद और यज्ञोपेथी, संपूर्ण मनोविज्ञान, मंत्र विज्ञान, सारे जो परीक्षण यहीं पे किए जाते हैं। हाँ, अगर किसी को वहाँ से चिकित्सा लेनी है तो वहाँ के सब नंबर हैं, वहाँ की वेबसाइट है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। ये सब नंबर भी यहाँ से भी आप ले सकते हैं नंबर और कॉल कर सकते हैं वहाँ पर।